लोग देख भी सकते हैं, ये ऑल टाइम्स के ऊपर जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है। Give me. ये मेकअप स्टूडियो का प्राइमर मेरा फेवरेट है, हमेशा मेकअप में ये जरूर यूज करते हैं। हालांकि ये मॉइस्चराइजर हमारा ऐसा होता है कि इसमें हम प्राइमर की नीड नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब कुछ होता है, पर फिर भी मेरी हैबिट बनी हुई है तो मैं इसे जरूर यूज करती हूँ। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया है, फोटो डाल लो तो भेज देना ना। एक मिनट बेटा, फोन लो। वो निकाल के देखो अपने किस वाले चल नहीं सही है, देखो वो कहाँ गई, दे दिया। शाइन आ रही है या नहीं, ये चीज हो बस आप छोट, ये चीजें मेन इम्पोर्टेंट होती है हमारी नोट करने की। अब मैं क्राइलोन का है ऑरेंज शेप, यस D30 उसने भी दी थी। ऑरेंज नॉर्मल चीज है ये, पर ये बहुत काम की चीज है। ऑरेंज आजकल जैसे फॉरएवर में है, क्राइडोन है, हमें शायद मुझे क्राइडोन देखो कितना पुराना है और सबसे बेस्ट है, इनसे कवरेज सबसे बेस्ट होती है। आप जैसे किसी के स्पॉट है और किसी के बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस है, तो मेन चीज हमारी यही चीज काम आती है। और जैसे जो अब जैसे फॉरएवर का है वो भी अच्छा है अपनी जगह पे, बट पर इसकी जो है कवरेज बेस्ट। और कभी भी ना डायरेक्ट देखो, अच्छे से ब्लेंडिंग करो और फिर इसको टैप 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 अच्छे से यूज करो। कई बोलते हैं यहाँ तो हमें नीड नहीं है, लेकिन तुम कई देखते हो ये चीज डार्क होती है, ग्रे हो जाती है, तो ये जरूरी है लगाना। ऑलरेडी किसी का कलर ज्यादा ही फेयर है तो थोड़ी क्वांटिटी कम ले लो। वहाँ थोड़ा कमी लगाए तो ज्यादा अच्छा है। ये बेटा ये मैक की है, मीडियम शेड है इसमें सारे, इसमें कॉन्टोर भी है और फेस का भी सारा है, देख सकते हो, पिक ले सकते हो। वो नहीं है क्या कैमरे पर दूर है, इंटरनेट तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ, बता देना। एक फॉरएवर में पैलेट है मेरे पास, उसमें कुछ शेड वो भी है, वो भी बेस्ट है। ये देखो ये भी बेस्ट है, आपकी सारी चीजें अच्छे से इससे कवरेज हो सकती है।
शेड देखो, हमेशा हमारी जो नेक है और उसका अच्छे से उसके अकॉर्डिंग बनाओ। कई बार क्या होता है, देखो तुमने देखी होगी फेयर कलर होता है तो वो डार्क हो जाता है। कईयों के कंप्लेन आती है कि मैम हमारा थोड़ा डार्क हो गया था, उनको ब्राइट और ज्यादा चाहिए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस हमेशा पहले नीचे हमारे जो नेक है उसके अकॉर्डिंग अपना बेस बनाओ। ये देखो, ठीक है, और ये देखो अच्छे से मैंने मेकअप स्टूडियो का लिक्विड वो है उसका हाइलाइटर हल्का सा दो बूंद वो मिक्स किया था, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। नहीं ये रहा, ये है इस हल्का सा शाइन के लिए, थोड़ा ग्लॉसी सा मेकअप आता है इससे। शेड देखो, इसको ब्लेंड करो अच्छे से जितना हो सकता है। देना फाउंडेशन ब्रश आती है ना उसी से, जैसे फाउंडेशन के लिए जाता है ये, शायद अच्छी शॉप पे किसी पे मिल जाएगा। मैंने तो ये दिल्ली से लिया था। देखो जयपुर के मामले में मुझे ज्यादा पता नहीं है, दिल्ली का मुझे कोना कोना पूछ लो वो मैं बता दूंगी, वहाँ की शॉप बता दूंगी कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, आउटफिट कहाँ मिलते हैं, ज्वेलरी कहाँ मिलती है। हाँ जी, हम
कई लोग, कई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं सीक्रेट्स अपने बताते नहीं हैं, हम कहाँ से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्यों हजारे भाई ये नहीं किया है। देखो किसी के बताने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा नेचर तो ऐसा है भाई, मैं ला रही हूँ वहां से तुम भी ले आओ। मैम का जो इंस्टाग्राम पेज है मैं आपको बताता हूँ, शो एक एक दिन में हम 15 ब्राइड, 16 ब्राइड, 12 ब्राइड। अब तो बताओ ऐसे एक पे बैठे रहेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे। वैसे पता है आप जब ऐसी चीजें आपको बताई जाती है ना तो तालियां बजाना होता है, पता है। थैंक यू मैम की ओर से। कई बार पैचेस पड़े रहते हैं, लाइन क्रिएट होती है, आपकी ब्लेंडिंग बहुत मायने रखती है। जितना हो सकता है आप उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। हेलो, ये NG1 है डार्क क्राइलॉन का। ये कॉन्टोर के लिए बहुत स्मूथ और इसकी ब्लेंडिंग है बहुत इजीली अच्छी से। ये देखो थोड़ा बहुत, मिरर तो है नहीं मेरे सामने तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। जो है वही लगा दो, पर आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्लाइंट को कैसे समझाओगे, समझ रहे हो। अब उसके ऊपर जैसे अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा अपने जो लिप्स है लिप्स के ऊपर से धीरे धीरे से उसको कॉन्टोर करना है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और कोई पार्टी मेकअप है तो कोई जरूरी नहीं है आप उसको लिक्विड में दें। तो बेस बनाया, लास्ट में अच्छे से पाउडर वाली कॉन्टोर कर दी। अब पार्टी मेकअप में कोई 1500 रुपए दे रहा है या 2000 रुपए दे रहा है, अब तुम सब ये सब कर रहे हो तो ये हर चीज हमें अपने अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। और अच्छे से हमारी ब्राइड है, हमें अच्छी पेमेंट कर रही है तो उसमें जरूर कर रही है चीजें। गार्ड को तो शायद मुझे लगता है सभी जानते होंगे। मीडियम शेड, फेयर तो जाएगा नहीं।
सभी मोहतरमाओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ी सी शांति, थोड़ा फेयर, इसलिए थोड़ा हमारी ये जो चीजें आजकल तुम मेकअप देख रहे होंगे हमारी ये एंड फॉरहेड हाईलाइट होता है चीजें। पता मेकअप तुम्हारा कब अच्छे से हो सकता है, एक तो ना प्रोडक्ट की कंजूसी ना करें, प्रोडक्ट कैसे जितना हो सकता है आपको जब भी फ्री हो आप बैठते हो टाइम हमारा कैसे यूज करना है। आज भी आप लोग मानोगे मैं जैसे ही फ्री होती हूँ कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ, कभी भी हमें नियम समझो हम तो परफेक्ट हैं, हमें तो सब आता है। और पता है सबसे अच्छी बात जो आप लोगों को सीखनी चाहिए वो ये कि अगर आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको एक दिन के अंदर कई ब्राइड्स का मेकअप करना है। जैसे कि मैम ने आप यहाँ पे कहा कि वो एक एक दिन के अंदर 15-15, 20-20 ब्राइड्स को जो है रेडी करती है, तो ये सब चीजें आपको इनकलकेट करनी चाहिए इंस्पायर होकर कि अगर ऐसा किया जा सकता है तो। नॉर्मल भी क्लाइंट आते हैं, अच्छे क्लाइंट भी आते हैं, बिल्कुल लो भी आते हैं, तो किस तरीके से कैसे काम करना है? तो देखो थोड़ा सा तो ये हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सपेंसिव अच्छे से होता है लेकिन ये चीजें काफी टाइम चलती हैं। रेयर ब्यूटी का है ये पिंक नंबर होगा इसका यार, हैप्पी ब्लश, हैप्पी ब्लश रेयर ब्यूटी तुम देखते हो वो फिनिश हो जाती है हमारी, यार ये रुक नहीं रहा है, फिक्स इट। क्या बताएं? मैट का जैसे जो शाइन होती है मैट का फिक्स कैसी रहती है, फिक्सर है मैं वो दूसरा है। ये जितने भी लोग पीछे खड़े एक बार सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आगे आ जाए प्लीज। काम कर
बेस नहीं यूज किया। हाँ मैं क्राइडन का भी बेस यूज कर लेती हूँ, मेकअप स्टूडियो का भी बेस कर लेती हूँ, मेकअप के ऊपर डिपेंड करता ही है। इससे थोड़ा ये हम अच्छे से ब्लेंडिंग और पैचेस नहीं पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर आप लोग कितना अटेंटिवली जो है मैम की यहाँ पे सभी बातों को सुन रहे हैं। तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है जो अभी मैम ने बोला, और जो भी सही जवाब देगा उसके लिए मेरे पास प्राइज है। ऑलराइट, क्रिम्सन कॉस्मेटिक्स की ओर से उसे मिलेगा यहाँ पे प्राइज। किन किन लोगों का मेकअप थोड़ा ब्लैक पड़ जाता है या ग्रे हो जाता है, किस किस की कंप्लेन है? ये जैसे मैं कर रही हूँ वैसे इसी तरीके से करते हो या किस कैसे? पहले आई मेकअप, हाँ वो मेरी भी आदत है पर मैं धीरे धीरे उसको थोड़ा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमें सभी तरह से आना चाहिए। और ये पता कब होता है? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज की। अब जिस तरीके से मैंने अच्छे से कंसीलर कवरेज, इसके बाद देखो आप आराम से ये ओपन भी कर ले तो लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि मैं उसे लॉक कर दी। हम पाउडर क्यों लगाते फाउंडेशन? क्योंकि हम उसको लॉक कर दे। नंबर नोट कीजिए, 9785 03 7। और वो इतने सुंदर लग रहे तो मुझे ना एक गाना याद आ रहा है। अरे वाह, बिल्कुल।